आया बच्चा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वेलकम सर। आप सब लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स अभी और भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर हम लोग 5 मिनट्स उनके लिए वेट कर लें। जी ठीक है सर, बेहतर है। ठीक है, 5 मिनट्स वेट कर लें, फिर इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके सर।
फ्रेंड्स कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग अपनी थोड़ी बहुत डिस्कशन स्टार्ट। अब हमारी जो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमने पढ़नी है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग आज लेंगे, तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि इसको हम स्टार्ट करें, इसके हवाले से सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहसिन कयूम है और मैं पिफा में कॉस्ट अकाउंटिंग लास्ट 4-5 ईयर्स से टीच कर रहा हूँ, और इसके अलावा आई एम ACCA और मैं मॉर्निंग में स्कैंस कॉलेज है यहाँ पे ACCA और FTA स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, और यही सब्जेक्ट्स हैं जो मैं टीच करता हूँ। आप लोग भी अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये हमारी अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में अब थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि ज़ाहिर है फर्क नहीं होगा, जैसे आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाता है इंशाल्लाह वैसे ही आपको इसमें भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली कि इसमें मैं फिजिकली आपके सामने नहीं हूँ, मतलब ये आपको मेरी वॉइस आ रही है, सब कुछ हम लोग को मैं स्क्रीन यूज करूंगा, अगर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली है तो इस तरह आपको ये लिख कर भी आपको बताया जाएगा स्क्रीन पर, ये चीज इस तरीके से, ठीक है, तो ये सब कुछ हो, लेकिन क्या है कि कोशिश है कि जितना बेहतर से बेहतर हम ऑनलाइन में इसको कर सकते हैं हम इसको करेंगे, राइट जी। ये सारी डिस्कशन आपसे करने का मकसद ये कि आपने इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कि लाइक हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं समथिंग कैसा। अब हम लोग पिछले कोई 1-1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस भी टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कैंस में भी, इधर पिफा में भी, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज को करने का। दुआ तो ये है कि एज सून एज ये फेस टू फेस पर आ जाए, कोविड की वजह से ऑब्वियसली कुछ मैटर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स वो हमें लेने पड़ेंगे। जी उजैर साहब, मिस्टर उजैर, क्लास स्टार्ट हो गई है और आई एम योर ट्यूटर मोहसिन कयूम, मैं आपके साथ थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर रहा था, और मैं असल में आपके साथ जो ये डिस्कशन कर रहा हूँ उसका मेजर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि थोड़ा सा हम इसका ऑनलाइन क्लास का एक डेकोरम जो है, एक जो प्रोसीजर है उसको डिफाइन कर लें, ताकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको लेकर चलें, जैसे लाइक आप यूं भी कह सकते हैं कि अब जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हैं तो एक चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोग देखें, आज मैं आपका माइक कभी ओपन करवा दूं मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मिस्टर उजैर, आई थिंक आपके एंड पे इशू ये है कि मे बी यहाँ तो आपने सेटिंग्स में ऑडियो ऑन नहीं की हुई, या फिर मे बी आपके एंड पे सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। देखिए, ये एक चीज है कि इसका सोल्यूशन जो है किसी के पास भी नहीं है इंटरनेट के, अब इसका सोल्यूशन आपको हर बंदे को खुद ही करना है, तो ये थोड़े से चीजें जिसपे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होंगी कि हम लोगों को कोई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो देना पड़ेगा। सेकेंडली ये चीज है कि अब जिस तरह फेस टू फेस क्लास होती है तो उसमें आप ओपनली क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें फर्क ये होगा कि आपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखे, अभी आज तो जो है हमारी, जी जी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का जितना भी पैटर्न है सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का है, बल्कि इंशाल्लाह उससे शायद थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ लेंगे, कम नहीं होगा, तो ये चीज ज़हन में रखें। तैयारी आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह वो की जाएगी, सब्जेक्ट की जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जाएगी, कुछ क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा करने के लिए एज एन होमवर्क, तो वो आपने साथ साथ, ठीक है, वो अब देखिए कि ये है हसान साहब के आपने जो आपको काम दिया जाएगा वो आप लोगों ने साथ साथ, ये चीज एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। लास्ट जो हिस्ट्री है उसमें भी यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं जो उनको काम दिया जाता है, जो लोग उसको साथ साथ फॉलो कर रहे हैं ट्यूटर की इंस्ट्रक्शन को, उनके लिए बड़ा ईज और कंफर्ट रहा है,
जिन स्टूडेंट्स ने इस चीज को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया या इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, उन लोगों ने फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस भी की इस वजह से, इस लापरवाही की। जी हफ्सा, बच्चे इसकी जो अटेंडेंस है वो ड्यूरिंग द सेशन ही होगी। अब अटेंडेंस मैं नहीं मार्क करूंगा, अटेंडेंस जो है वो आपके जो हेड ऑफिस कराची वाले हैं वही इस मैटर को देख रहे हैं। वो किस टाइम इस अटेंडेंस को मार्क करते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन करते हैं, मिड ऑफ द सेशन करते हैं, या एट द एंड ऑफ द सेशन करते हैं, ये उन लोगों को। आपको जो 2 आवर्स की क्लास है वो इन एनी केस आपने अटेंड की। जी हसन, आप बुक की बात कर रहे हैं। देखिये मैं इसमें कोई सच जो मैं आपको बात कहूंगा वो ये कि अभी मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। आज आपके साथ ग्रुप जो भट्ट साहब ने बनाया है उस ग्रुप में कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा पीडीएफ में, ठीक है। वो नोट्स हैं जो कि आपकी एक पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, बल्कि सिलेबस से थोड़े एक्सटेंसिव हैं, वो आपने करने। और उसके अलावा मैं कुछ आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा पीडीएफ में, मतलब उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू वगैरह, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सीबी एग्जाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये है कि उसमें आपके एमसीक्यूज और ब्लैंक्स, सॉरी एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स वगैरह आएंगे। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे डिस्कशन के, एग्जाम किस तरह का होगा, क्या पैटर्न होगा, एरियाज क्या है जो हमने कवर करने हैं, और ये सारी चीज इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। हसन, मैं आपको बुक बता देता हूँ आई कैप की, वो आप उसको बेशक वहां से डिस्कस स्टडी करना चाहो, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई कैप की जो बुक है, ठीक है, उस बुक में सिर्फ और सिर्फ हमारे से जो रेलिवेंट डेटा है आपके इस कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो मैक्सिमम उस बुक में 50% गिवन, बाकी 50% उस बुक में नहीं है। सो इसलिए मैंने फिर ये जो नोट्स हैं, ये डाटा आपकी आई कैप की बुक से और कुछ इधर उधर के बुक से, ऑथेंटिक जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक से वो डाटा उठाया है। एंड राइट फ्रॉम डे वन मैं उसी कोर्स गाइड है जो मेरे पास है, मैं उसी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, वही सारा स्टडी मटेरियल है, और उसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं और मेरिट सर्टिफिकेट भी वो लोग अचीव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे जो मैं, आप अगर आप वो कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आई कैप की बुक की जरूरत आपको रहेगी। सो इस तरफ से आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, लेकिन स्टिल अगर आपकी है कि नहीं हमें बुक्स लाजमी रिकमेंड की जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई कैप की जो C7 की जो बुक है, इसकी CAF 7, वो आप ले लें तो वो इससे रिलेटेड। लेकिन ये कि उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया इतना ज्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ये कर लें, ये एक तो टू द पॉइंट भी हैं और कॉम्प्रिहेंसिव भी हैं, मतलब ये आपके सीबी एग्जाम को फुल फ्लेज कवर कर, इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दूंगा। तो 7 स्टडी मटीरियल होगा, ठीक है, 7 आपको प्रैक्टिस पैक दे दूंगा जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं डिफरेंट, वो आपको दूंगा 7 प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा ये हमारे पढ़ने का जो फीचर है वो ये कि जैसे अब आप ये देख रहे हो, ये आपके सामने स्लाइड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, तो ये स्लाइड्स हैं डेली बेसिस के ऊपर, इन स्लाइड्स के ऊपर जो हम पढ़ेंगे, इन स्लाइड्स की पीडीएफ डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर होगी कि आज हमने क्लास में ये पढ़ा, तो ये स्लाइड्स हैं, ताकि जो हमने पढ़ा वो आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा। सो ये बात बताने का मकसद ये है कि जब लेक्चर में आपको दे रहा हूँ, तो आपको जो चीज करनी है वो ये कि आपने लेक्चर को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत, मतलब जो मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ मेरा लिखा हुआ। लाइक अगर मैं ये लिखता हूँ कि जी ये आपका पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जब आपको स्लाइड में शेयर करूंगा तो उसके ऊपर ये चीजें लिखी हुई आएंगी, ये एनोटेशन आपके साथ आपके पास लिखी हुई आएंगी स्लाइड्स के ऊपर, तो आपको कुछ भी खुद से नोट करने की जरूरत नहीं। आपने बस जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को अटेंड करना है। हाँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, आप लोगों के पास जब आप लोग क्लास के लिए बैठे हैं तो आपके पास एक कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर
ये चीजें जो भी आपको मैंने पीडीएफ शेयर की होंगी वो डाटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको क्विकली साथ साथ कॉप अप कर सके। क्लियर? तो आप ये स्टूडेंट सब के लिए ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये लिखी ये एज इट इज ये जो एनोटेशन है ये भी आपको उस पीडीएफ में नोट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने पूरा लेक्चर अटेंड करना है। इसके अलावा अगर आप उसको कुछ सेल्फ उसकी कुछ थ्योरेटिकल चीजें डिटेल में करना चाह रहे हो तो उसके वो पीडीएफ में आपके साथ आज इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा जिसमें पूरी कोर्स गाइड कवर होती है आपके सिलेबस की, और सेकेंडली प्रैक्टिस पैक भी शेयर हो जाएगा तो जहां से आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते। एक तो वो प्रैक्टिस पैक में क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा ये जो आपको मैंने कोर्स गाइड जो भेजूंगा उसके साथ भी चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यू, सो वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस मटेरियल बन जाएगा। अगर उसके बाद भी फर्दर जरूरत आपको महसूस होगी तो फर्दर प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो इन चीजों की तरफ से आप बेफिक्र रहे, ये चीजें इस तरीके से चलें। सो नाउ यू गाइस आर ओके विद दैट? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये कहना चाहता था कि जो जी ये नोट्स जो है सर सारे एक दफे अगर सेंड कर ले तो बेहतर नहीं है सर, क्योंकि जो है ना ये बार बार नोट्स निकालना और फिर ये भी नहीं पता चलता कि सिलेबस में मतलब कितना जो है कवर होगा, बुक्स कितनी है तो फिर कितने टॉपिक्स हमने कवर करना है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है सर ऐसे। जी सर मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगा वो पूरी एक साथ ही सेंड करूंगा, मतलब वो चैप्टर वाइज नहीं होगी। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक है कोर्स गाइड, ठीक है जी जी सर, ठीक है, जो कोर्स के नोट्स हैं वो आपको कंप्लीट आज ही शेयर होंगे जिसमें चैप्टर वाइज सारा सिलेबस आपका बना हुआ, उसके अंदर एग्जांपल्स भी हैं और हर चैप्टर के साथ उसके कुछ एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, राइट एक ये, और ये पूरी मतलब एक किस्म की ये बुक है, ठीक है, ये कंप्लीट आपके साथ शेयर होगी। और सेकेंडली इसके साथ होगा एक प्रैक्टिस पैक कह लें, प्रैक्टिस एग्जाम पैक, ये सारे टोटल जो कोर्स नोट्स होंगे, ठीक है, क्लास नोट्स जो है उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे जो हमने करने हैं, जो चैप्टर्स हमने करने हैं वो कंप्लीट चैप्टर्स आपके क्लास नोट्स के अंदर कोर्स नोट्स के अंदर शामिल हो। इसके अलावा एक होगा प्रैक्टिस पैक में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और उस प्रैक्टिस पैक के एंड पे उनके आंसर्स भी अवेलेबल है, आंसर सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आंसर्स होंगे, यानी कि उनकी ऑप्शन करेक्ट, उस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन क्या है वो एंड पे मेंशन वो गिवन हो, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर आपको दे दूंगा तो उसका फायदा कोई नहीं है, क्वेश्चन हम खुद करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको इश्यू आता है आप मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में मेरा नंबर भी शामिल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर लें या आप मुझे नेक्स्ट डे क्लास में उसको डिस्कस कर लें, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आप उसको कर सकते, वैसे ग्रुप में भी कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, तो ये चीजें हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक बात और स्टूडेंट्स के, ये दो चीजें तो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये कंप्लीट होगी, यानी कि सारे चैप्टर्स इसके अंदर शामिल हों, कंप्लीट बुक कह लें या कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर हो। इसके अलावा चीज जो मैंने आपको कही है वो ये है कि जो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये नोट्स होंगे कि जो मैंने आपको ये, जैसे अब ये स्लाइड है ये आपके सामने ओपन हुई है, इन स्लाइड्स के थ्रू मैंने पढ़ाना है और ये स्लाइड्स आपके और नोट्स में से ही बनी हुई है, यानी कि जो आपके क्लास जो नोट्स हैं कोर्स नोट्स जो हैं, ठीक है, इसमें इनकी भी इनका डाटा लेकर ही ये मैंने स्लाइड्स बनाई हुई। तो ये जो स्लाइड्स हैं डेली बेसिस पे स्लाइड्स जितनी हम कवर करते जाएंगे इन स्लाइड्स की पीडीएफ भी आपको साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज सर ने क्या पढ़ाया था, आज हमने क्लास में क्या पढ़ा था, कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे, कौन से क्वेश्चंस हमने करने के लिए दिए,
इसकी पीडीएफ आपको जो हमने रोज पढ़ा होगा वो डेली आपके साथ शेयर होगी। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर लेक्चर पढ़ाते हुए मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ये रेड कलर से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको आपको खुद से नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में डेली का डेली जो काम है, स्लाइड्स हैं, ये आपके पास पहुंच जाएंगे, इनको साथ साथ नोट करने की जरूरत नहीं होगी आप। हाँ, क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। सपोर्ट इन द सेंस के मैं क्वेश्चंस को हमेशा मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि स्टूडेंट खुद क्वेश्चन सॉल्व करे, मतलब मैं हूँ उसको हेल्प आउट करने के लिए, लेकिन ये कि वो खुद करे ताकि उसकी एक अप्रोच बिल्ड हो कि भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करे। क्योंकि अगर क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व कर दे दूंगा तो फिर स्टूडेंट की अपनी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टूडेंट की अपनी तो कोई लर्निंग नहीं है। सो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है वो इसी तरह से बिल्ड होगी जब हम क्वेश्चंस खुद करेंगे। गॉट इट? तो ये स्लाइड्स आपके साथ साथ जो रोज का काम हमने रोज किया उसकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर होती जाएंगी। आप कोई इसके हवाले से कोई एम्बिग्यूटी कोई इशू है तो कोई क्वेश्चन है कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लें, फिर मैं नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। जी स्टूडेंट्स, किसी के जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोई इशू है तो आप लोग प्लीज उसको डिस्कस कर लें। ओके फाइन। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से हमने करना है, ठीक है। अब तरीका कार ये कि आज तो जैसे आप लोगों का माइक ओपन है, लेकिन लेक्चर के दौरान ये माइक्स ओपन नहीं होंगे। लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों के जी हफ्सा, ये टोटल 8 चैप्टर, मैं अभी इस नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यही बताऊंगा कि आपके कोर्स गाइड क्या है, ठीक है। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो डेली बेसिस पे जो क्लासेस हैं उनका पैटर्न, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैं ये जस्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारी जो डेली क्लासेस हैं ये मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेनसडे जो टाइमिंग है हमारी 4 to 6 इसमें हुआ करेगी। और इस लेक्चर के दौरान आपके एंड से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग चैट बॉक्स यूज, चैट बॉक्स में आप लिखें। जरूरी नहीं कि आप कोई इंग्लिश सेंटेंस बना के लिखें, आप एसएमएस लैंग्वेज में भी लिखते हैं, तो मकसद ये है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझ तक पहुंचे। तो मैं उसको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, उनको साथ साथ ही जो है वो मैं अटेंड करूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर थोड़ा सा डिले करने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर थोड़ी देर में मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये इसका एक मैकेनिज्म। अब इससे पहले कि हम लोग इसके कोर्स कंटेंट्स की तरफ चलें, मैं यहाँ पर अब ऐड करूंगा कि एग्जाम जो है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम आपका सीबी है, ठीक है, जिसके टोटल मार्क्स हंड्रेड है और जो पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि इस पेपर को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं, और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें एमसीक्यूज होंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, और ट्रू फॉल्स होंगे। तो ये थ्योरेटिक प्लस न्यूमेरिक, ये दोनों चीजें जो हैं वो इसके अंदर कवर हो। टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें मोस्टली एमसीक्यूज होंगे या फिर ट्रू फॉल्स,
ये चीजें इसके अंदर आई और इनमें थ्रेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन नहीं, दिस इज नॉट, इट इज नॉट एन ओपन बुक पेपर, ठीक है। ये जो भी चीज है ये आपको आनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, और ओपन बुक पेपर नहीं होता इसका किसी भी एग्जाम। इसमें कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसको ओपन बुक की जरूरत, ठीक है। टोटल जो मार्क्स जो टाइम एलोकेटेड है टोटल टाइम जो है इसको पेपर को करने के लिए वो 2 आवर्स, टोटल जो टाइम एलोकेटेड है वो 2 आवर्स, यानी कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स का टाइम एलोकेटेड होगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली बन जाता है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। लेकिन हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम लोग अपनी प्रिपरेशन 2 मिनट्स पर एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे। टू मिनट्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेके चलेंगे। उसकी रीजन ये है कि देखिये जो 24, आप जब एक क्वेश्चन, क्योंकि एक स्क्रीन के ऊपर एट ए टाइम आपको एक ही क्वेश्चन शो हो, ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सिस्टम की प्रोसेसिंग भी शामिल हो, इसलिए वो 24 सेकंड वाला मार्जिन में उस प्रोसेसिंग में काउंट। तो आपके लिए जो एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड टाइम जो एलोकेटेड होगा इट विल बी 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। जी गॉट इट। तो बच्चे इसमें हफ्सा बेटा, इसमें एक चीज ये भी है कि इतना मार्जिन है ही नहीं कि आपके पास पेपर में 2 आवर्स में कि आप बुक ओपन करें, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है कि बुक ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि तो टाइम बिल्कुल पूरा पूरा है। तैयारी अच्छे तरीके से कर कर जाए, स्टूडेंट्स हैं वो 1 घंटे में भी पेपर कंप्लीट कर लेते हैं अगर आता हो, 1.5 आवर्स में भी। तो 2 आवर्स जो टाइम है ये सफिशिएंट है टू अटेम्प्ट द पेपर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पेपर का पैटर्न और ये चीजें थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से है। अब क्वेश्चंस किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, किस टाइप के हैं, वो जब हम लोग इसकी क्लासेस में जब हमारी चलेंगी और हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, एग्जांपल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे हमें ये आइडिया होता जाएगा कि इसके अंदर से क्वेश्चंस किस तरह से या किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर सकता है। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, उस टॉपिक की टेस्टिंग किस तरह, तो ये चीजें हमें वो क्वेश्चंस करने से आइडिया। गॉडर जी, अगर किसी का एग्जाम के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बता। सर एग्जाम्स कब होंगे सर इसके? एग्जाम्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप से कंफर्म करके आपको बताता हूँ कि आपकी अटेम्प्ट कब होगी। मैं आज ही आपके साथ अभी ड्यूरिंग द लेक्चर ही इंशाल्लाह आपको कंफर्म करता हूँ, सो नथिंग टू वरी। क्योंकि मुझे भी आज बताया गया है मैं आ गया हूँ, तो होपफुली मेरा ख्याल है कि अक्टूबर या मे बी नवम्बर में होगी अटेम्प्ट सीबी की, क्योंकि सीबी तो किसी टाइम भी खैर हो सकती, लेकिन ये कि हम लोग इंशाल्लाह अपना जो सिलेबस है हमारा वो पूरी कोशिश करेंगे कि अक्टूबर की जो है फर्स्ट वीक तक हम अपने सिलेबस को वाइंड अप, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। जी जी सर, थैंक्स सर। असल में सर ये था ना कि लेवल वन के जो है एग्जाम्स होने के लिए पहले कहा था कि 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स होंगे, फिर जो है 1 मंथ फिर ऐड कर दिया गया, फिर उसके बाद फिर 1 मंथ ऐड कर दिया गया। सर इसे एक प्रॉपर वो नहीं बन रहा था, रूटीन नहीं बन रहा था कि मतलब किस तरह से स्टडी किया जाए ना, तो इस वजह से मैंने पूछा था सर। अच्छा आपका नेम क्या है? मोहम्मद उजैर सर। जी मोहम्मद उजैर, उजैर साहब उसमें प्रॉब्लम ये था कि देखें अगर एग्जाम 1 मंथ डिले हुआ फिर डिले हो गया, उसमें प्रॉब्लम पिफा के एंड से नहीं था, वो जो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ठीक है, वो उस वजह से वो चीजें डिले हो रही थी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा था, पिफा वालों के साथ नहीं हो रहा था। हम लोग स्कैंस में मैं टीच करता हूँ और हमारा वो ACCA के एग्जाम्स भी होते हैं, सी भी कुछ हमारे ACCA के एग्जाम सी भी होते हैं, तो वो भी इसी वजह से डिले हो रहे थे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जी इस डेट से पहले एग्जाम नहीं होगा।
सरकार है वो जब गवर्नमेंट वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको करेगी तो ही एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। मतलब ये कि हम तो चाहते हैं कि एग्जाम कल हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट आप पे कोई चीज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है तो हमें उसको फॉलो करना। तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आपने प्रिपरेशन की होती है और फिर अगर एग्जाम नहीं होता तो ऑब्वियसली एक मैटर ये चीज हिट तो करती है, मैटर तो करती है, लेकिन आप उस पर क्या कर सकते। दुआ करें आप लोग भी कि ये कोविड वाला जो मैटर्स हैं ये एज सून एज रिजॉल्व हों और चीजें बैक टू नॉर्मल हों, फेस टू फेस क्लासेस चलें और ये सारा पैटर्न जो है उस तरीके से एक स्मूथ फ्लो के साथ ये चीज इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। अब तो खैर उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस एग्जाम के हवाले से नहीं है। सो होपफुली ये काफी हद तक हम लोग ये मैटर्स जो हैं कोविड के ये रिजॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह सिचुएशंस बैक टू जल्दी। आप लोग बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह एग्जाम्स आप लोगों के टाइम पर ही डिले नहीं है। जी सर इंशाल्लाह। जी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से किसी का कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं आगे कोर्स गाइड की तरफ चलूं। अच्छा ये वो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो कि इंशाल्लाह हम लोग कल से स्टार्ट करें, पहला चैप्टर है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो ये हमारा पहला टॉपिक है और ये बेसिक्स हैं। अब अगर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर थोरली डिटेल से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये एक बेस है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की टाइप्स क्या होती हैं, कॉस्ट की नेचर क्या होती है, कॉस्ट की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं और वो क्लासिफिकेशंस क्यों की जाती हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या पर्पसेस हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। फिर ये कॉस्ट हमें किस किस मकसद के लिए चाहिए, इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करें। फिर जो कॉस्ट हमने पढ़ी उनमें हमारे पास आती है एक मटेरियल कॉस्ट विच इज अ वेरी मेजर कॉस्ट, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से बात करें हमारे पास आ जाती है मटेरियल कॉस्ट, एक मटेरियल कॉस्ट है, दूसरी हमारे पास आती है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं। अब इसमें मटेरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता है, कैसे अरेंज होता है, ठीक है, किस तरह परचेज किया जाता है, फिर उसकी जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके यूजेज के हवाले से उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ये चीजें हम लोग इसमें मटेरियल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मटेरियल परचेज करने के लिए हम अपनी कॉस्ट को अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगी, ये फैक्टर्स हमने मटेरियल के चैप्टर के अंदर कवर। देन लेबर, लेबर कॉस्ट वो होती है जो हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं, वर्कर्स जब काम कर लेते हैं उसके बदले में जो उनको हम पे करते हैं वो हमारी लेबर कॉस्ट कहलाती है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारी वर्क फोर्स है उसको पे जो करती हैं कंपनीज जो पे करती हैं अपनी लेबर को, वो पेमेंट के कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो इसके अंदर हम डिस्कस करें, और वर्कर्स की सैलरीज वेजेस की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, उनकी सैलरीज वेजेस के ऊपर डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करें। फिर इसके बाद ओवरहेड्स हमारी, ये भी कॉस्ट है जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसके ऊपर हम खैर डिस्कशन करेंगे जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये चैप्टर है जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डील करता है। फिर यहां से हमारे पास ये कॉस्टिंग अप्रोचेस शुरू होती है चैप्टर नंबर 5 से। अब ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड, ये हमारे जो शुरू वाले जो चार चैप्टर्स हैं ये इनकी बेस पर आगे चले, यानी कि पहले चैप्टर में हमने क्या किया, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉस्ट कौन कौन सी होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं और वो सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने उन कॉस्ट को इंडिविजुअली डिस्कस किया कि मटेरियल कॉस्ट क्या होती है,
हमारी लेबर कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, फिर हमारे ओवरहेड्स, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी, ये हमने थॉरली डिटेल में कवर। अब इसके बाद फिर हम अप्रोचेस की तरफ आ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी मेथड्स, टेक्निक्स या अप्रोचेस हैं जो यूज की जाती हैं। उसमें हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच आ जाती है, फिर उसके बाद जॉब एंड बैच कॉस्टिंग अप्रोच आ जाती है। ये होती है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसको कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आपका हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट हो तो जी स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल कोई इशू था, बहरहाल हो गया है, तो हम लोग इसको दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको। आज मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको बताया कि हमारी आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो थोड़ा सा एक समराइज सेशन ही है ये ना, कोई फॉर्म हम नहीं इसको करेंगे, लेकिन कल से हम प्रॉपर 2 आवर्स। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पहला चैप्टर है वो बेसिक्स है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की कॉस्ट के हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद ये मटेरियल, लेबर और जो ओवरहेड्स हैं, ये इसमें हम इंडिविजुअली हर कॉस्ट एलिमेंट को डिटेल में उसकी डिस्कशन होगी। और चैप्टर नंबर 5 से जो ऑनवर्ड है ये कॉस्टिंग टेक्निक्स, डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, जॉब बैच कॉस्टिंग है, और आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये आपके पूरी एक कोर्स गाइड है आपके सिलेबस की, जो हमने इसमें कवर अप करनी है, यानी कि पूरा सिलेबस जो है ये चीजें को जो है वो कवर करती है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स, लेबर्स, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन, मार्जिन, ये सारा हमने एरिया कवर अप करना। तो शुरू में हम लोग कॉस्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट लेंगे कि ये हमारी बेसिक्स हैं, इसके बगैर हम लोग आगे नहीं चल सकते। तो यहाँ से अगर हम अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आगे हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। तो जो चीज हमें करनी है वो ये है कि हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना। तो ड्यूरिंग द क्लास मुझे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल को नहीं यूज करना कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर को कीजिएगा। ये 3 चीजें और नोट्स जो आपको आज मैं शेयर करूंगा, बेहतर ये कि जब आपके साथ ये नोट्स में शेयर करूं तो आप लोग काइंडली अगर इसकी इसके कोई हार्ड कॉपी में ले लें, लाइक इसके अगर आप प्रिंट आउट ले सकें तो, अगर आप इनके प्रिंट आउट ले लें तो वो बहुत बेस्ट हो, आपके पास हार्ड कॉपी में आ जाएगा डेटा, तो वो फिर क्लास अटेंड करने में बहुत हेल्पफुल हो जाए। सो ये चीज मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करें। ऑडिट जी, ये आपकी सिलेबस गाइड है जो हमने करना है, ये पूरा एरिया जो हम कवर करें। अब देखें जो आप हसान जो आप बात कर रहे थे, हसान साहब हैं हमारे साथ जी, हसान आप बात कर रहे थे जी, जी बिल्कुल हमजा, पीडीएफ शेयर हो जाएगी नोट्स की आपके साथ हसान। अब ये देखो, अगर हम वो उसकी आई कैप की बुक की बात करें ना, तो अब आईकैप फर्स्ट 3 चैप्टर्स इस तरह सेपरेटली डिटेल में है ही नहीं, मतलब वो आप आईकैप की बुक में वो डायरेक्टली स्टार्ट करता है मटेरियल का चैप्टर का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मतलब बेसिक से नहीं, फर्दर आगे वो यहाँ से इसको इन चीजों को डिस्कस किया हुआ उसने। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है उसमें, ये डिस्कस की हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स के ऊपर डिस्कशन है, एब्जॉर्प्शन मार्जिन पर डिस्कशन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर है, मटेरियल्स पर है, लेकिन बाकी चैप्टर्स की जो है वो आईकैप की बुक में नहीं है, तो उसने बेसिक्स को डिस्कस नहीं किया हुआ अपनी बुक। तो लेकिन स्टिल अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो वो कैफ 7 की बुक अगर आप को करना चाहते हैं कंसल्ट तो कर लें, क्योंकि लेकिन उस बुक में बहुत ज्यादा डेटा वो है जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट नहीं कर, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ज्यादा चीज कवर।
जी इन्वेंट्री बेसिकली इज योर मटेरियल, मटेरियल जो स्टॉक होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इन्वेंट्री, तो वो मटेरियल के चैप्टर को कवर करता है। लेकिन उसमें भी जाहिर है इन्वेंट्री के चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपके इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन में शामिल, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं है। इसलिए मतलब मैंने आपको बुक बता दी, लेकिन मैंने ये बुक आपको रिकमेंड नहीं की। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई बंदा आईकैप की बुक होता है, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमें कोई पब्लिशर की बुक भी बताई जाए, तो वो मैंने बता जरूर दी है, लेकिन मैं ये चीज भी आपको बता रहा हूँ साथ में कि इस बुक में वो सब कुछ नहीं है जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस, और जो टॉपिक्स आपके कॉस्ट अकाउंटिंग वाले उस आईकैप 7 की बुक में है उसमें बहुत कुछ इररिलेवेंट डेटा है जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है। इसके जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आप लोग कर लें तो ये जो नोट्स होंगे ये मोर देन इनफ। मैं ये नोट्स सिर्फ रिकमेंड कर, बुक मैंने वैसे बता दी है कि कोई अगर ये कहेगा कि बुक नहीं बताई तो मैंने इसलिए बुक का कह दिया, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये कि जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो एक एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करने के लिए मोर देन इनफ। जी हमजा, इन्हीं नोट्स के जरिए स्टूडेंट्स जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट भी लेने में सक्सेसफुल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट। तो ये जो आपको स्टडी मटेरियल जो मैं दे रहा हूँ ये मोर देन इनफ है फॉर योर एग्जाम। आप ये अच्छे तरीके से कर लें, पेपर आपका बहुत अच्छे स्कोर के साथ, बहुत अच्छे ग्रेड के साथ इंशाल्लाह पास हो, तो नथिंग टू वरी। गॉट इट? गुड। सो ये है जी आपका सिलेबस। तो कल से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कॉस्ट क्लासिफिकेशन से, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात कि ये एक बेसिक है, बेसिक्स हैं, चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, इसको आपने जरा पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो उसको अटेंड करना है, क्योंकि ये आपकी बेस बनाएगा। सो वंस जब आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चल पड़ेंगे और उतर जाएंगे। अच्छा, आपकी बेस स्ट्रांग बन जाएगी तो ये फिर आगे जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो उसमें ये बहुत हेल्पफुल। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की बेस स्ट्रांग कर लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली आपकी आपको इजी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कल फिर इंशाल्लाह जी स्टूडेंट्स कल, आज ये जैसे एक इंट्रोडक्शन था, कल से इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जो अटेम्प्ट का आप पूछ रहे थे मोहम्मद उजैर, तो अटेम्प्ट आप लोगों की इंशाल्लाह नवंबर एंड पे होगी, बट सब बता रहे नवंबर एंड पे, क्योंकि नवंबर के स्टार्ट में तो वो दूसरे एग्जाम हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उसके जो है बाद आप किसी भी अटेम्प्ट आ। जी सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक्स। नोट्स में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आज ही। ठीक है, तो कल से फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब बात वही है कि नोट्स आपके पास अगर जी जी क्लास टाइमिंग 4 to 6 ही रहेगी। नहीं नहीं हसन, क्लास की टाइमिंग 4 to 6 ही है, लेकिन चूंकि आज एक ओरिएंटेशन इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो इसलिए इसको जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन कल जो हमारी क्लास है वो 4 to 6 ही चलेगी, 2 hours की चलेगी, जस्ट एक ओरिएंटेशन क्लास थी। ठीक है, तो कल से इंशाल्लाह 4 to 6 हम लोग इसको लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। बहुत शुक्रिया।